सो वाई 2020 स्मार्टफोन इज नॉट गुड एज 2019 स्मार्टफोन. इतनी अंग्रेजी तो ठीक है ना भाई. तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी चीज़ की, और ये सारी चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा. तो यहाँ पर अभी कंपनी ने एक ट्रेंड फॉलो कर लिया नंबर्स का. यहाँ पर अभी देखा जाए तो डिस्प्ले के नंबर्स में भी भाई आ गए हैं, लाइक 120 हर्ट्ज तक पहुँच चुके हैं. दूसरी चीज़ यहाँ पर कैमरा के नंबर्स में भी 3 से 4 कैमरे पर पहुँच चुके हैं. और आगे देखा जाए तो यहाँ पर प्रोसेसर में भी नंबर पर लाइक 712 दिया जाता था, 730G हो चुका है. क्या ये भाई एक्चुअल में मैटर करती हैं चीज़ें, उन सब चीज़ों की बात करेंगे. तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस. तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्लेस को लेकर. तो यहाँ पर अभी कंपनियाँ क्या कर रही हैं मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर, 120 हर्ट्स IPS LCD पैनल दे रही हैं, 90 हर्ट्स IPS LCD पैनल दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरिटी पर हमें लॉस हो रहा है. दूसरी चीज़ यहाँ पर भाई 90 हर्ट्स IPS LCD पैनल और 60 हर्ट्स सुपर एमोलेड पैनल इक्वल है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है. आप बता नहीं सकते अगर दोनों को साइड बाई साइड यूज़ करेंगे, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये बता रहा हूँ. और यहाँ पर हमें सिर्फ लॉस ही हो रहा है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर भाई सुपर एमोलेड पैनल दिया गया था, अब यहाँ पर IPS LCD पैनल चिपकाया जा रहा है सिर्फ इनकी आड़ में. और देखा जाए तो यहाँ पर एक हर्ट्ज को संभालने के लिए एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए. प्रोसेसर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक फ्लैगशिप काइंड ऑफ प्रोसेसर चाहिए. साथ ही साथ यहाँ पर भाई कंपनी का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो कंपनी तो इसे ऑप्टिमाइज करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर IPS LCD पैनल 90 हर्ट्ज के साथ वो एक्सपीरियंस नहीं रहा. और अगर मैं IPS LCD पैनल 120 हर्ट्ज की बात करूँ, हल्का सा स्मूथ हो जाता है कंपेयर टू 60 हर्ट्ज सुपर एमोलेड पैनल, बट इतना नहीं है. तो यहाँ पर मैं ऑल ओवर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ या स्मूथनेस की बात करूँ, तो मैं 60 हर्ट्ज सुपर एमोलेड की तरफ जाना पसंद करूँगा. अब नेक्स्ट रीजन कंपनी के पास ये आ जाता है कि भाई यहाँ पर जो पंच होल है, अगर कोई कंपनी इसे दे देगी सुपर एमोलेड के साथ, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सैमसंग की डिस्प्ले होगी और सैमसंग की डिस्प्ले वाली महंगी होती है. तो ये तो एक फैक्ट है. तो 60 हर्ट्ज ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ भाई हम काम चला लेंगे. और दूसरी चीज की यहाँ पर बात थी कैमरास को, यहाँ पर 4 कैमरा हो गए हैं, लेकिन 2 जो कैमरा सेंसर है वो यूजलेस है, लाइक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और दूसरा जो कैमरा सेंसर है यूजलेस वो है भाई मैक्रो कैमरा सेंसर, क्योंकि डेप्थ सेंसर की जरूरत ही नहीं है. अगर आप उसे कवर कर फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको सेम ही फोटो देखने के लिए मिलती है. इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो जाओ और देखो. और दूसरा जो था मैक्रो कैमरा सेंसर, उससे अच्छा भाई किसी भी प्राइमरी कैमरा सेंसर को जूम कर लो डिजिटली और फोटो लो, उससे अच्छी डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी, उससे अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देखने के लिए मिलेगा. और बाकी जो चीजें होती है भाई पूरा सॉफ्टवेयर पर होता है. और अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की. तो यहां पर अभी जो देखा जाए तो प्रोसेसर काफी तगड़े मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में उनके साथ जो ऑप्टिमाइजेशन है पबजी की या किसी गेमिंग की, या मैं UI की बात करूं, इन सब चीजों में अच्छी नहीं करी जा रही, काफी बग्स देखने के लिए मिले हैं. मैं पोको की बात करूं, रियलमी 6 प्रो की बात करूं, M31 की बात करूं, इन सब में खैर M31 का तो प्रोसेसर भी कहीं हो रही है. तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं करी जा रही. लाइक मैं पबजी को ही ले लूँ, अगर आप मुझसे कहें कि स्नैपड्रैगन 730G या G90T कौन सा अच्छा है, तो मैं कहूँगा स्नैपड्रैगन 730G. तो काफ़ी बड़ा अंतर है, आप मानते हो नहीं मानते, लेकिन अब मैं बताऊँ यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो जो था उसके अंदर एक्सट्रीम का ऑप्शन था पहली बात, दूसरी बात काफ़ी स्मूथ गेम प्ले था. और यहीं पर मैं पोको X2 को लूँ तो भाई स्मूथ गेम प्ले है, एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो उस फोन के अंदर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था उसके अंदर. तो यहाँ पर कंपनी ने ऑप्टिमाइजेशन पर भी ध्यान नहीं दिया. अभी कंपनियाँ क्या करती हैं, एक लॉन्च करा दूसरे की तैयारी में लग गई, भाई बैंड वैंड निकालो नेक्स्ट करेंगे, और इसकी वजह से आपको और लॉस होता है. लाइक ये जो सारी चीजें एक्सट्रीम का ऑप्शन ना मिलना, डायनेमिक रेंज अच्छा ना होना, इनकी अपडेट नहीं देती कंपनी इतनी जल्दी. और जल्दी क्या, यहां पर आपने देखा होगा Mi A3 इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड है. स्टॉक एंड्रॉइड बंदे क्यों लेते हैं, क्योंकि अपडेट जल्दी मिल जाती है, लेकिन उसकी अपडेट काफी महीनों से नहीं आई. तो कंपनियां देख रहे हो कहां से कहां आ गई हैं. तो ये सारी चीजें भाई काफी मैटर करती हैं, अपडेट हमें चाहिए जल्दी से जल्दी, जब भी मजा आएगा. और यहां पर ये प्रोसेसर भले ही अच्छा दे रही है, लेकिन भाई कंपनी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रही इतनी अच्छी जितनी लास्ट ईयर करा था. डिस्प्ले में काफी बड़ी दिक्कत हो गई है, IPS LCD पैनल दे रहे हैं, सुपर एमोलेड पैनल नहीं दे रहे. और काफी बंदे मिल जाएंगे जो कहेंगे IPS LCD पैनल 120 हर्ट्ज है वाओ, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि सुपर एमोलेड पैनल 60 हर्ट्ज इससे अच्छा है. और ये फैक्ट वाली बात है, आप इसे खुद देख सकते हैं आजमाकर. तो यही पॉइंट थे जो मुझे क्लियर करने थे, ना ही अपडेट मिल रही है फोनों की टाइम पर, ना ही भाई यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल बचा है अभी, और नंबर्स के अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है कंपनियों के पास. और लास्ट ईयर के फोन ज़्यादा बेटर थे एज कम्पेयर टू दिस वन, और काफ़ी सारे लोग वेट करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन का. तो मत करो, जो अच्छा लगे वो ले लो भाई, क्योंकि फोन तो आते रहेंगे, ऐसे कन्फ्यूज रहोगे. और इसकी वजह से भाई प्राइस ड्रॉप भी हो जाता है, लाइक नया स्मार्टफोन आया तो पुराने का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, और लोगों को लॉस होने लग जाता है ऐसे, मतलब गए 2000 रुपये वो. सो दैट्स इट गाइज, यही पॉइंट कवर करने थे. अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो कमेंट में बताना जरूर, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो लोंडो. तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में. तो जब तक के लिए जो हमने आया गाइस, सुक्रे टू वॉच योर हार्ट फॉर स्टेडियम विद द चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय.